वेलकम टू द चैनल सो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर फोर फेमस पर्सनालिटीज़ जिसमें रिलीजन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ का ये मॉक टेस्ट आप कह सकते हो सेट नंबर फोर है टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ हम थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं प्रैक्टिस सेट भी आपके साथ साथ चल रहा है एक सेपरेट प्ले का भी प्रैक्टिस सेट का बनाया वो जाके भी वॉच कर लीजिएगा उससे भी आपको खुद का टेस्ट आप कर सकते हो खुद को खुद का रिविज़न आप कर सकते हो तो क्यूक रिविजन आपका थर्टी प्लस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पर्सनैटीज़ इन डिफरेंट कैटेगरीज में आज आपका लेने वाला हूँ तो लेट्स बिगिन दिस इंपॉर्टेंट वीडियो ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आंसर्स बताते चलूँगा थर्टी टू थर्टी थ्री क्वेश्चन है तो आप मुझे अपना स्कोर बता सकते हो कि इन क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन आप करेक्टली आप आंसर कर पाए हो Who was द फर्स्ट वुमेन टू be इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ United नेशन जनरल असेंबली नाइनटीन फिफ्टी थ्री में ये इलेक्ट हुई थी आपको बताना इनका नाम इनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित आई होप सभी ने इसका आंसर किया काफ़ी बारी हम रिवाइज कर चुके हो देखो मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ऐप का वहाँ से जाके जल्दी से आपको डाउनलोड करें टॉपिक वाइज मॉक लेंथ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू नॉमिनल सा कॉस्ट है आप अवेल करें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशल रहेगा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी यह अपने बताना है सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये तीनों अपने याद रखने तीनों में से एक आधा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है हर बारी एग्जाम में तो चांस पूरा कि पूछेगा तो न्यूट्रॉन को पूछेगा तो करेक्ट आंसर इसका जेम्स चैंड इज द करेक्ट आंसर नाइनटीन थर्टी टू में हु आउ द फॉलोइंगज़ फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसके के द्वारा फाउंड की गई थी ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा गया था करेक्ट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले जो पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं महात्मा गांधी जी के हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट तो फर्स्ट इंडियन कौन बने थे आपने बताना है मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी हम डिटेल में सब चीज़ें कर चुके हैं ये आपका टेस्ट चल रहा है आंसर जिसके मैं साथ साथ बता रहा हूँ तो इसका जो करेक्ट आंसर आई होप आपने मार्क कर लिया एक्जक्टली exactly, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दादा भाई जी ओके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक इंडिया विन्स फ्रीडम इस बुक के ऑथर को नहीं आपने बताना है ऑप्शन आपके सामने हैं सभी इजिली इसका आंसर करेंगे आई होप कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जितने अगर वीडियोज़ वॉच किए हो तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ऑथर ऑफ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन माने जाते हैं ये आपने बताना है इनकी रिसेंटली डेथ भी हुई थी सो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन हु आंग द फॉलिंग इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया ये आपने बताना है ब्राह्मो समाज इनके द्वारा फाउंड किया गया था एग्जैक्टली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजा राम मोहन रॉय हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है जी स्पेस इंडियन प्रोग्राम के फादर एग्जैक्टली विक्रम साराभा इज द करेक्ट आंसर हु इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प लेडी विद द लैम्प करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए फ्लोरेंस नाइटेंगेल

Who among the following was known as the poet of the East? Poet of the East. Correct answer for this question is Alam Ikbal. Option number B is the correct answer. Who is known as the father of Indian cinema? Exactly, Dada Sahib Phalke is the correct answer. Who is known as the architecture of Indian Constitution? Very easy. B.R. Ambedkar is the correct answer. हु इज़ नोन एज द नेताजी काफ़ी फेमसली इन्हें नेताजी बोला जाता था करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस हु इज नोन एज देंट ऑफ गटर्स जिन्हें फर्स्ट पीस प्राइज दिया गया था 1979 में फर्स्ट वूमेन सो हम बात कर रहे हैं मदर टेरेसा की हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब किसने इन्वेंट किया था लाइट बल्ब ये बताना आपने सो दिस वॉज इन्वेंटेड बाय एग्जैक्टली थॉमस एडिसन हु इज रेफर टू एज अ लोकमान्य लोकमान्य हम किसे कहते हैं ये आपने बताना है सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लोकमान्य बाल गंगाधर तिल्क हु इज रेफर टू एज अ फ्रंटियर गांधी एग्जैक्टली खान अब्दुल गफर खान हु इज नोन एज अ नाइटिंग एल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं हम नाइटिंग एल ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू हु इज नोन एज अ टाइगर ऑफ मायसोर एग्जैक्टली टीपू सुल्तान इज अ करेक्ट आंसर रविंद्र कौशिक ब्लैक टाइगर के नाम से जानने जाते हैं आप याद रखें विच फ्रीडम फाइटर इज नोन एज अ लाइन ऑफ पंजाब करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लाला लाजपत राय हु द फॉलोइंग इज नोन एज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया

हु अमंग द फॉलोइंग नोन फॉर कम्पोजिंग रामचरित्रस रामचरित्रस किसने कम्पोज की थी सो दिस वॉज कम्पोज बाय एग्जैक्टली तुलसीदास हुआ सिख गुरु फाउंडेड द खालसा खालसा किसने फाउंड किया था सो दिस हैज बिन फाउंडेड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी हु द फॉलोइंग सैट इज कंसिडर एज द फादर ऑफ रामा कृष्ण मिशन तो इसके फाउंडर कौन है रामाकृष्ण मिशन के Exactly. Correct answer for this question is Swami Vivekananda. Who among the following introduced the concept of non-violence as a core principle of Jainism? Ahimsa, that is non-violence. So this has been you know introduced by the 24th Tirthankar of Jainism, that is Mahavira. Who is known as the father of Buddhism? सो फादर ऑफ बुद्धिज्म इज एग्जैक्टली गौतम बुद्धा तो ये हो गई जी अराउंड मैंने आई थिंक ये थर्टी थ्री क्वेश्चन हैं देखो सात आठ मिनट में ही आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्यूक रिविजन यही है थ्री का क्यूक रिविजन करने का मैं नहीं चाहता मुझे स्टूडेंट्स फिर कल अब मुझे मैसेज सर प्लीज़ लाइव आगे लाइव टेस्ट लो देखो मैं अगेन कहूंगा लाइव टेस्ट में आगे जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इस चीज़ों में आप लाइव आएंगे फिर डिस्कशन होगा अलतू फालतू बातें आई डोंट वॉन्ट टाइम इज़ वेरी प्रीशियस तो जल्दी से जितनी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ जस्ट टिक टू द फोकस जो चीज़ें करवाई जा रही है पढ़िए स्टडी पर फोकस कीजिए बुक्स को ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचर स्टडिंग इज द बुक कोई बुक आप जरूर अपने पास रखिए जिसमें आप चीज़ें पढ़ रहे होते हैं प्रैक्टिस के लिए इस तरीके से वीडियोस की आप हेल्प ले सकते हो बाकी पूरा डिटेल तो ऑलरेडी मैं आपका करवा ही रहा हूँ अगर आप ये प्रॉपर कर लेते हो तो आपको आप आराम से सारे क्वेश्चन आंसर कर पाओगे एग्जाम में बट कीप वन थिंग इन माइंड रिविजन की पढ़ के जाओगे सिर्फ रिवाइज़ नहीं किया होगा सब चीज़ें मैशअप हो जाएंगी मैशअप हो जाएंगी दिमाग में फिर पता ही नहीं चलेगा सारे क्वेश्चन गलत पेपर करके आओगे तो इसीलिए प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं तो उतनी करें इसलिए मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलोगे कि सर आपने क्वेश्चन कराए तो देख के आपको मेरे को एग्जाम में सारे सारे वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन उन्हीं के रिलेटेड ही होंगे वैसे टाइप के क्वेश्चन होंगे बट आपकी प्रैक्टिस आपके माइंड की प्रैक्टिस होगी आपको ऑलरेडी आप ट्रेंड होंगे कैसे अपने एग्जाम में उस तरीके से अटैम्प्ट कर रहे हैं ताकि आपको एक वैसा इन्वायरमेंट ऑलरेडी आप फेस कर पा रहे हो पहले से आपने किया यूज़ टू होना इज़ इंपॉर्टेंट विद ये मॉक टेस्ट का मेन मोटिव यही होता है थैंक यू गाइज टेकर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है तो टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस सेट तो भी चल रहा है थैंक यू टेक केयर सी यू